हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी JKRLM की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है JKRLM रिक्रूटमेंट 2023, जिसे की 126 MIS असिस्टेंट और कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 20,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही होगा। अगर वही बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूले। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 1 वैकेंसी है, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए 30 वैकेंसी है, कोऑर्डिनेटर फार्म नॉन फार्म के लिए 50 वैकेंसी है, MIS असिस्टेंट अकाउंटेंट कम एडमिन असिस्टेंट के लिए 39 वैकेंसी है, अकाउंटेंट के लिए 3 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट से डिग्री MSc ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री MBA मास्टर्स डिग्री MCA या फिर MSc कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जिन कैंडिडेट से मास्टर्स डिग्री या फिर MBA कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए जिन कैंडिडेट से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर MBA कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, कोऑर्डिनेटर फार्म या नॉन फार्म के लिए आपका डिग्री MSc या फिर MBA किया होना आवश्यक है, MIS असिस्टेंट अकाउंटेंट कम एडमिन असिस्टेंट के लिए जिन कैंडिडेट से MCA या फिर MSc कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपका मास्टर्स डिग्री किया होना आवश्यक है, वहीं ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात की जाए तो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपको मिल जाएगी 60,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए आपको मिल जाएगी 45,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 35,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, MIS असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 25,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 30,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 20,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए आपकी आयु 45 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, जबकि ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और कोऑर्डिनेटर साथ ही MIS असिस्टेंट अकाउंटेंट कम एडमिन असिस्टेंट के लिए एज पर नॉर्म्स रखी गई है, वहीं अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपकी आयु 45 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी ये एज पर नॉर्म्स ही रखी गई है। एप्लीकेशन फी ड्यू फी ऑफ कॉस्ट यानी इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, वही सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू पे ही बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगी, जो कि 13 जनवरी 2023 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।